गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर सीबीएसई क्लास 10 श्री अरविंदो एकेडमी। आई एम योर क्लास सोशल साइंस टीचर पंकज सर। टुडे वी आर फाइनली स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट दैट यू ऑल ट्रेड द मोस्ट सेबेक्स। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द चैप्टर नेम इज पावर शेयरिंग, फर्स्ट लेसन। स्टूडेंट, फर्स्टली यू विल अंडरस्टैंड अबाउट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कौन कौन से अंग होते हैं उनके बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है, क्योंकि इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसी का जो है ज़्यादा मतलब मोर ओवर देखा जाए तो इसी चीज़ का जो है एक्सप्लेन किया गया है क्या होता है, ठीक है। तो इसके जो है थ्री अंग होते हैं, देखिए थ्री ऑर्गन्स हैं। लेजिस्लेचर मीन्स विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशियरी न्यायपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। लेजिस्लेचर क्या होता है, ये जो है लॉ को बनाता है, ठीक है। लेजिस्लेचर जो है लॉ मेकिंग करता है और ये इसका जो है पालन करता है, जो यहाँ से बन के आता है उस चीज़ पे ये पालन करता है। और दोनों को देख रेख करने के लिए जुडिशियरी होता है कि किसी तरह का अगर प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूटिव सही अपना काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, उस पर यह देखभाल करता है, यानी कि वह न्याय का काम करता है। उसी इसीलिए इसको न्यायपालिका दैट मीन जुडिशियरी बोला गया है। ओके स्टूडेंट, तो अब देखेंगे लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जो है टू पार्ट्स में, जैसे यूनियन लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब कि सेंट्रल, यूनियन मीन सेंट्रल, आपके बुक में यूनियन से जो है एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए यूनियन लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर के दो पार्ट्स देखिए कौन कौन, यूनियन लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब केंद्र और राज्य। इसमें क्या होता है यूनियन लेजिस्लेचर में कि पार्लियामेंट होती है, ठीक है। और पार्लियामेंट जो है इसके अंदर लोकसभा जो कि वह लोअर हाउस से रिलेटेड होता है, इसमें लोकसभा आता है और ये लोअर हाउस से रिलेटेड होता है। और एक और क्या आता है पार्लियामेंट में, राज्यसभा जो कि अपर हाउस से रिलेटेड होता है। उसी तरह एज इट इज देखेंगे स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है, स्टेट यानी कि राज्य स्तर पर देखेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें भी टू पार्ट्स दिया गया है। तो स्टेट असेंबली, इसमें भी लोअर हाउस होते हैं, ठीक है, और लेजिस्लेचर ऑफ काउंसिल जिसको विधान परिषद भी बोला जाता है, काउंसिल का मतलब परिषद होता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे जैसे कि सेवन स्टेट हैं जो लेजिस्लेचर काउंसिल मतलब परिषद में आते हैं, देखिए कौन कौन, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हम आते हैं, ये सारे जो है लेजिस्लेचर का पार्ट है, इसका जो है हम पढ़ेंगे अपने बुक्स में, ठीक है। अब आते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का जैसा कि हमने बताया, एग्जीक्यूटिव में भी दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन होते हैं, थ्री पार्ट्स होते हैं, सॉरी एग्जीक्यूटिव में थ्री पार्ट्स होते हैं, कौन कौन होते हैं। तो फर्स्ट में प्राइम मिनिस्टर जो कि MP वगैरह आता है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं, ठीक है। और इसमें क्या आते हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं एक और। और थर्ड में क्या आता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव होते हैं जो कि चीफ मिनिस्टर और गवर्नर, ये सारे लोग जो है आते हैं किसमें, एग्जीक्यूटिव में। तो समझ गए बच्चों कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग जुडिशियरी में देखेंगे, जुडिशियरी में क्या देखेंगे बच्चों कि इसमें भी टू पार्ट्स होते हैं, स्टेट जुडिशियरी और यूनियन जुडिशियरी। तो स्टेट जुडिशियरी में देखेंगे क्या आता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है, कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है और हाई कोर्ट होता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो न्याय होता है अगर हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट में नहीं होता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारा जो है नहीं होता है न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग हाई कोर्ट में जाते हैं, क्लियर। और यूनियन जुडिशियरी में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो कि सबसे बड़ा कोर्ट होता है वो दिल्ली में होता है, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट होते हैं, ये यूनियन जुडिशियरी में आते हैं,
क्लियर। चलिए आगे देखेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अब